खत्म हुआ साल का पहला चंद्रग्रहण। ग्रहण के बाद क्यों करते हैं स्नान? साल का पहला चंद्रग्रहण खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि ये 5 मई को रात 8:44 से शुरू हुआ था और रात 6 मई रात 1:02 पर खत्म हो गया है। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट रही थी। आपको बता दें कि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण था। मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद गंगा स्नान करना जरूरी बताया गया है, जिसके चलते साल का पहला चंद्र ग्रहण जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने पवित्र गंगा में स्नान किया और भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपने पितरों की स्तुति की। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके आसपास मौजूद रहती हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। ग्रहण में शरीर अपवित्र हो जाता है और इसे फिर से देवप्रित कार्य के लिए शुद्ध करना जरूरी होता है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग किसी कारणवश गंगा स्नान नहीं कर सकते, वो गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर नहा लें तो भी वो अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। आपको बता दें कि 5 मई को लगा ये चंद्र ग्रहण वास्तव में एक उपछाया ग्रहण था। आपको बता दें कि हर चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्रमालिन्य कहा जाता है। अक्सर चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश कर वहीं से बाहर निकल जाता है और उसका स्वरूप धुंधला सा दिखाई देने लगता है। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक महत्व नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई करें, पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, इसके बाद अपने गुरु या शिव जी की उपासना करें, फिर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण के बाद दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित सफेद चीजें, दूध, दही, चावल, मिठाई, सफेद मोती, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के बाद खाद्य पदार्थों पर भी गंगा जल से छिड़काव करें और उनको भी शुद्ध करें। गंगा जल के छिड़काव के बाद ही भोजन करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।